তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে, হ্যাঁ এমনই সংকল্প এক ভারতীয়র। ব্যান ইভিএম, সেফ ডেমোক্রেসি, এই বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ একাই বেরিয়ে পড়েছেন উত্তরাখণ্ডের ওঙ্কার সিং ধিলন। মূলত ভারতবর্ষের সব রাজ্যে পরিক্রমা করেছেন, কার্যত 6,500 কিলোমিটারের মধ্যে আর 1500 কিলোমিটার অতিক্রম করলেই তার যাত্রা বৃদ্ধি লাভ করবে বলে দাবি ওঙ্কার বাবুর। তিনি এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলার পা রেখেছেন, অর্থাৎ কলকাতার পর বর্ধমান শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় অতিক্রম করে সাধারণ মানুষকে ভারতীয় নাগরিক ঐক্যের বার্তা দিচ্ছেন পায়ে হেঁটে। ভোটিং মেশিন কো ব্যান কে লিয়ে মানে প্যাদল যাত্রা পে নিকলা হুম ব্যাক টু ব্যালট কে লিয়ে কি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বন্ধ হোনা চাহিয়ে ব্যাক টু ব্যালট খুলা হোনা চাহিয়ে। কহাঁ সে কহাঁ তক জায়েঙ্গে? মে উত্তরাখণ্ড সে নিকলা হুম 18 আগস্ট কো, মেরা নাম ওঙ্কার সিং ঢিল্লো হ্যা। উত্তরাখণ্ড সে মে ইউপি, দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, আন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা হতে হুয়ে আর মে ওয়েস্ট বেঙ্গল মে হুম। यहाँ से मैं झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए दिल्ली जाऊँगा। राजघाट पर मैं जाके ये अपना सफ़र समाप्त करूँगा। लगभग 6,500 किलोमीटर ऊपर हो जाएगा, 5,100 किलोमीटर करीब हो गया है और लगभग 1500 किलोमीटर और बाकी है अभी। उद्देश्य क्या है आपका भाई? बैक टू बैलेट, एक साफ़ सुथरे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए हमको बैक टू बैलेट आना होगा कि जिसको वोट दिया जाए उसको वोट पहुँचे। वोटों की चोरी से जो सरकार बनेगी वह देश और जनता का भला नहीं कर सकती, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होनी चाहिए, बैक टू बैलेट चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होता है, बूथ कैप्चरिंग होता है, लेकिन बूथ कैप्चर के लिए फिजिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एक बूथ लूटने के लिए 10 लोग चाहिए, मशीन को लूटने के लिए एक आदमी भी नहीं चाहिए, एक आदमी ही पूरे देश की मशीनें लूट सकता है। इस तरह से आप क्या करते क्या हैं? हमारा काम रियल इस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का काम है? आपकी कोई राजनीतिक दल से जुड़े हैं? नहीं। आप इंडिविजुअल? हाँ जी, इंडिविजुअल निकला पड़ा हूँ, लेकिन सब पार्टियों का समर्थन मिलता है मुझे। जो है मैं जब गुजरात था या राजस्थान था या वाम मोर्चा का अच्छा समर्थन मिला, कांग्रेस का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है, उड़ीसा में मेरे को बीजेपी ने बड़ा अच्छा समर्थन दिया कि उन्हें लगता है कि वहाँ पर जो सरकार है वो ईवीएम की वजह से है। तो जो मशीन संदिग्ध बन चुकी है, समय समय पर जिसके खिलाफ़ सारी पार्टियाँ आ चुकी हैं, उस मशीन को बंद कर देना चाहिए। अब मैं कल से यहाँ पर 2-3 दिन से मैं कलकत्ता से निकला हूँ, तो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सुबोध सरदार जी मेरे साथ हैं 3 दिन से, और आगे भी समर्थन रहता है लोगों का, बड़ा अच्छा समर्थन है। आप क्या समझते हैं आपका ये जो अभियान है इसलिए कि बैलेट आएगा, ईवीएम चला जाएगा, आप क्या समझते हैं आपका अभी आंदोलन है? अभी तो नहीं जाएगा, मेरे चाहने से नहीं आएगा, मैं दिल्ली पहुंचूंगा नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा, शुरुआत हुई है, जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम ओंकार सिंह ढिल्लों। কার্যত এদিন ওঙ্কার সিং ধিলনের এই যাত্রা শুনে ভিড় জমান বহু পথ চলতি মানুষ। সম্প্রতি ওঙ্কার সিং ধিলন জানান তিনি উত্তরাখণ্ড থেকে গত 18/8/2019 তারিখে বেরিয়েছেন। পেশায় তিনি রিয়েল এস্টেটের বিজনেসম্যান, মূলত তার উদ্দেশ্য একটাই, আর মেশিনে ভোট নয়, ব্যালটও হোক ভোট। তার এই ভারত ভ্রমণের সংকল্পে সাধুবাদ জানান বর্ধমানবাসী। পূর্ব বর্ধমান থেকে আমজাদ আলী, এনটিভি।